माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड एक खंड विभाजन सृजन का कार्य इस विभाग द्वारा नहीं किया जाकर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग स्तर से किया जाता है। ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियों के पुनर्गठन व नव सृजन हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति के निर्णयानुसार पंचायत समिति गुड़ा मलानी व सिंधरी का पुनर्गठन कर नई पंचायत समिति आडेल व पायला कला का गठन किया गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग स्तर से वर्तमान में पंचायत समिति समदड़ी का पुनर्गठन किए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। खंड दो, भारत सरकार स्तर से ही बाल विकास परियोजना की स्वीकृति जारी की जाती है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 के बाद कोई नवीन बाल विकास परियोजना की स्वीकृति जारी नहीं की गई है। भारत सरकार के स्तर पर नवीन बाल विकास परियोजनाओं के स्वीकृति संबंधी कार्रवाई प्रारंभ किए जाने की स्थिति में ही इस हेतु निर्धारित मापदंडों के आधार पर अपेक्षित कार्रवाई की जा सकती है। खंड तीन, भारत सरकार के स्तर पर नवीन आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृति प्रदान किए जाने की स्थिति में भारत सरकार के निर्देशानुसार नवीन आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत करने संबंधी अग्रिम कार्रवाई की जाती है। वर्तमान में नवीन आंगनवाड़ी केंद्र खोलने पर भारत सरकार द्वारा रोक है। भारत सरकार स्तर से नवीन आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाने की संबंधी स्वीकृति प्रदान किए जाने की स्थिति में निर्धारित मापदंडों के अनुसार प्राप्त प्रस्तावों के क्रम में नवीन आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृति के बाबत अग्रिम कार्रवाई की जा सकती है। खंड चार, नवीन आंगनवाड़ी केंद्र प्रस्तावित आंगनवाड़ी केंद्र की जनसंख्या के मानकों के आधार पर खोले जाते हैं, न कि राजस्व ग्राहकों के आधार पर। भारत सरकार के स्तर पर नवीन आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाने संबंधी स्वीकृति प्रदान किए जाने की स्थिति में निर्धारित मापदंडों के दृष्टिगत नव सृजित राजस्व गांवों में नवीन आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाने संबंधी कार्रवाई की जा सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि आपके विभाग खंड एक ने जो खंडों का विभाजन के लिए ग्राम विकास पंचायत राज द्वारा किया जाना बताया है, तो इसका मापदंड क्या है? क्योंकि आपका विभाग और पंचायत विभाग अलग अलग हैं पंचायतों, तो इसमें क्या विभाग पंचायत ही मानेंगे? आप ICDS का प्रश्न पूछ रहे हैं, पंचायत राज पर जा रहे हैं, उन्होंने तो कलेक्ट करके आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि मंत्री जी के उस पर नहीं है। अगला प्रश्न श्री रामलाल मीणा। प्रश्न संख्या 171, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा स्वच्छ परियोजना को वर्ष 2019 में अब तक दी गई राशि विवरण परिशिष्ट अपर संलग्न है। निर्माण के कार्यों में